खतीजा शाह से मुतलिक अहम खबर सामने आ गई। अमरीका ने 9 मई मुकदमात में मुलव्वस तहरीक इंसाफ की सपोर्टर और फैशन डिजाइनर खतीजा शाह पर सफरी पाबंदियों के खात्मे के लिए पाकिस्तानी हकाम से राबता कर लिया है। अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तानी हकाम से राबते की तस्दीक कर दी है। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक खतीजा शाह तक 5 बार काउंसलर रसाई हासिल कर चुके हैं। अमरीकी सफारत खाने वाजिया किया है की मुकदमे की निगरानी जारी रखी जाएगी। खतीजा शाह ने खुद को 2023 को लाहौर पुलिस के हवाले किया था। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर पर जना हाउस लाहौर में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का इल्जाम था। वो कई माह तक जेल में कैद रही और इन्हें अदालत में भी पेश किया जाता रहा। बिलाखिर दिसंबर 2023 में कोयटा की इंसदादे दहशतगर्दी ने इन्हें जमानत पर रिहा किया। खतीजा शाह को राहदारी रिमांड पर लाहौर से कोयटा मुंतकिल किया गया। खतीजा शाह ने गुज़िश्ता दिनों लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर वाज़ेह किया था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, कोई खौफ है और न ही कोई डील की। वो बेकसूर है, इसलिए डील क्यों करेंगी। जमानत पर रिहाई के बाद खतीजा शाह ने फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखकर दोबारा प्रोफेशनल जिम्मेदारियों का आगाज किया था। उन्होंने फॉलोअर्स की भरपूर हिमायत और हमदर्दी पर इनका शुक्रिया अदा किया था।